नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल मज़े में होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हमको शादी पार्टी में जाना होता है, किसी फंक्शन में जाना होता है, और जब हम पार्लर जाते हैं तो हम आपको पता है कि हम फेशियल कराते हैं पार्लर जाकर, तो तीसरे दिन ग्लो आता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंस्टेंट ग्लो लाने के लिए होममेड रेमेडी। तो चलते फटाफट से रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले रही हूँ खाली बाउल, और इसमें मैं लूँगी 1 से 1.5 चम्मच के करीब बेसन। बेसन, जैसे कि आपको पता ही है, बेसन चने की दाल को पीस कर बनाया जाता है, और ये इससे आपके ना चेहरे की जो डेड स्किन है ना, डेड सेल्स, वो सारे रिमूव हो जाते हैं। दूसरा, मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। चीनी को मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। अगर आपके पास जैसे पीसने के लिए टाइम ना हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, सेकी चीनी भी ले सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना कि चीनी जो होती है ना, वो हमारे चेहरे का रंग साफ करती है, और जो रोम छिद्र होते हैं ना, उसको अंदर तक जाके डीप क्लीन करती है। और तीसरा, मैं यहाँ पर ले रही हूँ शहद। शहद जो आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है, आपके चेहरे की नमी को ना लॉक करके रखता है, यानी कि आपकी जो स्किन है बिल्कुल ड्राई नहीं होंगी, एकदम मॉइस्चराइज रहेंगी, सॉफ्ट रहेंगी। और चौथा, मैं यहाँ पर ले रही हूँ टमाटर। टमाटर का जूस ले रही हूँ मैं यहाँ पर। अगर आपको टमाटर, जैसे किसी किसी को ना सूट नहीं करता टमाटर, तो आप क्या करिए, टमाटर की जगह पर नींबू का रस भी ले सकते हो। इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर भी डाल सकते हो, या फिर कच्चा दूध हो तो वो भी डाल सकते हो। मैं यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के करीब कच्चा दूध ले रही हूँ, क्योंकि कच्चा दूध बहुत अच्छा होता है। ये आपके स्किन के ऊपर, यानी कि जो भी धूल मिट्टी गंदगी होती है ना, उसको साफ़ करता है, सॉफ्ट बनाता है बिल्कुल। तो मैं इसको ले लेती हूँ 2 चम्मच के करीब। छोटा चम्मच लिया था मैंने, 2 चम्मच। और अब मैं इसको ना रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ। और तब तक मैं क्या करती हूँ, तब तक मैं अपना जो चेहरा है उसको साफ़ कर लेती हूँ। मतलब साफ़, मतलब आप जैसे खाना वाना बना के आते हो किचन से, तो आप देखते हो कि खाना बनाने के बाद जैसे अपने चेहरे पर जो धूल धूल बोल रही तेल का जो है ऑयल जम जाता है बिल्कुल, है ना, तो वो साफ़ हो जाता है बिल्कुल। या फिर आप कहीं बाहर गए हो घूमने, या फिर बाहर गए हो, धूल मिट्टी डस्ट जम जाता है चेहरे पे, है ना, तो उसको मैं इसको अच्छी तरह से साफ कर लेती हूँ। किससे मैं करती हूँ, कच्चे दूध से। अगर आप चाहे कच्चा दूध नहीं है तो आप रोज़ वाटर भी ले सकते हो, या फिर अगर वो भी नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप ना फेस वॉश कर सकते हो किसी भी चीज़ से, जैसे कि आप जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो उससे। और उसके बाद में आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट तक के, जैसे मैं इसको अच्छे से मसाज करके, यानी कि कॉटन का बॉल लिया है मैंने, और इससे मैं पूरा अपने चेहरे को क्लीन कर लेती हूँ बिल्कुल। आप 2 मिनट तक देखिए, 2 मिनट बाद देखिए मेरे चेहरे से कितना डस्ट, यानी कि जो जमा हुआ था वो पूरा बाहर निकल जाएगा। मैं आपको दिखाऊँगी कॉटन बाद में, है ना। तो ये देखिए भाई, कॉटन कितना काला हो गया, है ना। अगर मेकअप लगा हो तो मेकअप को भी निकाल सकते हो। फिर इसके बाद में क्या करना है, इसको अपने फेस पर लगाना है। इसको आप चाहे तो ब्रश से लगा लें, या फिर उंगलियों से, हाथों से, बहुत ही आसान, आपको जो आसान लगे ना, आप उससे इसको अपने चेहरे पर लगा लीजिए। लगाने के बाद इसको पूरे फेस पर, गर्दन पर लगा सकते हो आप, जहाँ पर भी आपको लगता है ना काला है, हाथों पे, उंगलियों पे, कोहनी पे, घुटनों पे, कहीं पर भी आप इसको लगा सकते हो, जहाँ पे आपको लगता हो ना कि बहुत ज़्यादा जैसे जमा हुआ है कालापन बहुत दिन का, और आपको एकदम से कहीं जाना है और वो कालापन अच्छा नहीं दिख रहा, तो आप इसको लगा सकते हो। मतलब कहीं पर भी बॉडी के किसी भी पार्ट्स में लगा सकते हो। और इसको ना लगाकर ऐसे छोड़ देना है बिल्कुल 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, एकदम थोड़ा सा ये हल्का सा ना सूख जाएगा। सूखने के बाद क्या करना है आपको, जो आपने जो टमाटर लिया था सॉरी जो आपने टमाटर लिया था ना, वो टमाटर से आपको कर लेनी है मसाज। और मसाज करना है आपको, कब तक मसाज करना है उसकी, जब तक कि वो पूरा ना, मतलब जो टमाटर का गूदा है वो पूरा ख़त्म ना हो जाए। सबसे पहले तो मैं अभी इसको गर्दन में अच्छी तरह से लगा लेती हूँ, पीछे वगैरह। देखिए अभी तो मेरे को पूरे 10 मिनट हो गए, देखिए हल्का हल्का ड्राई जैसे हो गया है। पूरा नहीं सुखाना है हमको, हल्का ही ड्राई करना है ना। देखिए ये टमाटर है सॉरी, और इससे मैं अपने पूरे चेहरे के, मतलब अच्छी तरह से इसको घसते जाऊंगी, मतलब हल्के हाथों से, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं रगड़ना है, हल्के हल्के हाथों से हमको क्या करना है, इसको
रगड़ना है। मेरा वाला जो टमाटर है ना बहुत जल्दी ख़त्म हो गया था, तो मेरा आधा टमाटर रखा हुआ था, दूसरा वो मैंने ले लिया है। और मैं इसको सर्कुलर मोशन में अच्छी तरह से नाक के ऊपर, जो आप देखते हो ना कभी कभी नाक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा आजू बाजू मतलब कालापन आ जाता है, गर्दन पे पूरा अच्छी तरह से ना मैं इसको पूरा, देखिए इस तरह से बिल्कुल मैं इसको अच्छी तरह से रब करके पूरा साफ़ कर लेती हूँ बिल्कुल। और जो मैंने लगाया हुआ था ना वो तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो पूरा एकदम मसाज के मसाज करते करते पूरा ये हो गया। आप देखोगे ना, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी स्किन इतनी ज़्यादा क्लीन हो जाएंगी एकदम, और बहुत सॉफ्ट लगेगा, आपको लगेगा कि आप अभी मतलब पार्लर से ना कोई अच्छा बड़ा महंगा ट्रीटमेंट करा के आए हो चेहरे पर। इतना अच्छा, इतना ज़बरदस्त ग्लो आता है। कब आप फेशियल कराने जाओगे, 3 दिन बाद वो ग्लो आएगा, दूसरे दिन ग्लो आएगा, और आपको आज ही जाना है। तो इसीलिए आज की ये जो रेमेडी है ना बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। आप यानी कि इसको करके देखिए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ना इसके रिज़ल्ट कैसे मिले। और मान लीजिए कि अगर आप कहीं किसी के घर पे गए हो और उनके यहाँ शादी, आप घर से तैयारी करके नहीं गए हो, तो आप उनके यहाँ जाकर भी ये कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपने देखा ना कितनी आसान थी रेमेडी, क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स थे सारे किचन में थे, आपके घर में भी अवेलेबल है, आपको कहीं कुछ बाहर से लाना नहीं है, बहुत ही आसान है। और ग्लो तो आप मेरे चेहरे पर देख ही सकते हो कितना ग्लो है, मैंने नहाने के पहले इसको लगाया और नहा लिया। तो फ्रेंड्स, आपको अगर आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ना तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे व्यूअर्स हैं तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं कल मिलूंगी एक प्यारी सी वीडियो लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।